हेलो एवरीवन, और आज हम सीएमए इंटर लॉ के पेपर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है, हमें लॉ पढ़ना कैसे है, क्या हमें उसमें सेक्शंस लिखने होते हैं, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सीएमए इंटर लॉ सिलेबस, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो बच्चे, आपका सीएमए इंटर लॉ का जो सिलेबस है वो चार सेक्शंस में डिवाइडेड है। मैं उसको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, हम आते हैं सेक्शन ए पे, यानी कि कमर्शियल नॉलेज, जिसमें कि पांच चैप्टर्स हैं आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एक्ट। अब बच्चे, इसमें से अगर मैं बात करूं तो तीन चैप्टर्स जो हैं वो आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स भी पढ़ा है, नेगोशिएबल भी पढ़ा है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके आगे इंटरमीडिएट में लिखा हुआ है एडवांस, यानी कि जो फाउंडेशन में है उससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ये कह सकते हो कि 90% सेम है जो आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हो। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्स्ट्रा हैं और कुछ चीज़ों की जो है थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% क्या है, ये आपका फाउंडेशन के साथ सेम है। इसी ढंग से सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूँ तो बच्चे, 95% आपका फाउंडेशन वाला ही है। मतलब कि जिसे कहते हैं ना, 95% वहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, इंटर के सिलेबस में। थर्ड आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी या अपने डेप्थ में नहीं पढ़ी, और यहाँ पर अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो हाँ बच्चे, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपका 25-30% ये पुराना है, बाकी जो है आपका सारा नया है, क्योंकि फाउंडेशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं दी थी। LLP और पार्टनरशिप, ये आपके लिए इसमें क्या है, बिल्कुल नए हैं, न्यू हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों ही आपके फाउंडेशन में नहीं थे। तो ये पांच चैप्टर्स जो हैं ये आपके कमर्शियल लॉ में आते हैं, और इसकी वेटेज कितनी है, 30 मार्क्स की। देखो बच्चे, आपका जो पेपर है, टोटल मार्क्स का पेपर आता है 130 का, जिसमें से 30 मार्क्स आप क्या कर सकते हो के क्वेश्चंस चॉइस में छोड़ सकते हो। यानी कि आपके पास चॉइस आती है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट करें या बी पार्ट करें, तो इस तरीके से आपके पास चॉइस आएंगी। टोटल मार्क्स जो आएंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, वो 130 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 30 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो, यानी कि चॉइस में छोड़ सकते हो। तो आपको एक ढंग से 130 मार्क्स में कितना अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जब मैंने यहाँ पे 30% की वेटेज बोली, तो यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपके कमर्शियल लॉ में से आएंगे। जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ तो आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आते हैं। LLP या पार्टनरशिप एक्ट में से भी आप मान के चलो एक एक क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो इसमें से ज्यादातर MCQs आते हैं बच्चे। मतलब अभी तक का जो ट्रेंड है, जो एक देखा है कि किस ढंग के पैटर्न आए हैं पेपर में, तो उसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो पार्टनरशिप एक्ट में से MCQs जो हैं वो आपके आते हैं, और सीधा डिस्क्रिप्टिव या केस स्टडी जो है वो कम आई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस स्टडीज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो 90% चांसेस है कि आपके ये कैसे आएंगी, केस स्टडीज आएंगी। तो इस तरीके से तो आपको क्या पढ़ना है, कमर्शियल, और कमर्शियल लॉ में से आपको कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी इज योर इंडस्ट्रियल लॉ। बच्चे 25% की वेटेज है, यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके किस में से आएंगे, आपके इंडस्ट्रियल लॉ में से आएंगे। 8 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेंशन फंड। तो ये 8 चैप्टर्स जो हैं ये आपके सारे कैसे हैं, एम्प्लॉई वेलफेयर से रिलेटेड एक्ट्स हैं।
और इनकी टोटल वेटेज जो है वो कितनी है 25 मार्क्स की, यानी कि अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो 100 नंबर के पेपर में से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपको किसके अटेम्प्ट करने हैं, इंडस्ट्रियल लॉ के करने हैं। इसमें से कुछ एक्ट तो बच्चे छोटे हैं, जैसे बोनस एक्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्रेचुटी एक्ट की बात करूँ, तो 2 क्लासेस 3 क्लासेस में हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं एम्प्लॉय फंड की बात करूं तो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि उसमें सारे प्रोसीजर और एस्पेक्ट्स भी दिए हैं, तो थोड़ी सी क्लासेस क्या होती है हमारी ज़्यादा लगती हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन कौन सा आता है, सेक्शन सी। सेक्शन सी इज कंपनीज एक्ट एंड 35% वेटेज, यानी कि 35 मार्क्स का। अब बच्चे कंपनीज एक्ट में उन्होंने आपका ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना सब कुछ दे दिया और वेटेज है सिर्फ 35 मार्क्स की, तो एक ढंग से देखा जाए तो आपका सेक्शन 123 तक उन्होंने सारा ही दे दिया, 1 से लेकर 123 सेक्शन तक पूरा आपका कंपनीज एक्ट जो है वो उन्होंने दिया है, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज हो गया, टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल अपने आप में ही 7 से 8 क्लासेस लेके जाता है बच्चे, जिसमें आपका अलॉटमेंट शेयर्स हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर डिबेंचर्स एंड चार्जेस हो गया, डिबेंचर एंड चार्जेस 2 to 3 क्लासेस का ही होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। जनरल मीटिंग्स अगेन 4 to 5 क्लासेस या कई बार 6 भी लग जाती हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहने के लिए एक टॉपिक है लेकिन बच्चे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही अगर मैं कहूँ तो 7 से 8 क्लासेस सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही लगती हैं। एंड मिसलिनियस, जो बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं उन्हें मैंने किस में डाल दिया है, मिसलिनियस में। तो ये कंपनीज एक्ट जो है जो उन्होंने इतना सारा डाला है 35 मार्क्स में, मुझे पर्सनली लगता है कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से वेटेज बहुत कम है इसकी। 35 मार्क्स जो है सिर्फ आपका ये कवर करता है, जबकि आपको इसमें पढ़ना बहुत कुछ है। बट ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का सिलेबस है तो जैसे उन्होंने दिया है पढ़ना तो हमें है। और लास्ट, सबसे प्यारा, सबसे छोटा, सबसे इजी जो आपका पोर्शन है, दैट इज सेक्शन डी। सिर्फ और सिर्फ 10% की वेटेज है, एथिक्स एक ही चैप्टर है। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ ना बच्चे, तो बहुत इजी है। एथिक्स इज समथिंग वेरी जनरल, जो आप अगर एक बार रीड भी करके चले जाओगे तो आपको लगेगा ये तो मैं लिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, एथिक्स की थ्योरी है जिसे आप थोड़ा सा रीड करके समझ के अपने आप भी क्या कर सकते हो, पेपर में जाकर लिख सकते हो। तो ये आपके सीएमए इंटर का क्या है, सारा सिलेबस है। तो एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए की बात मैंने की तो कितने मार्क्स की, 30% की वेटेज है। और देखो 30% की वेटेज में सिर्फ 5 ही चैप्टर है, जबकि वहीं हम कंपनी लॉ की बात करें तो 35% की वेटेज में कम से कम 15 to 16 chapters हैं। तो अब देखो ये 5 chapters में से कभी कुछ छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है, चैप्टर्स हैं 5 और वेटेज है ज्यादा। फिर बी पोर्शन आ गया 25% वेटेज, अगेन चैप्टर ज्यादा है, वेटेज क्या है, वेटेज कम है, लेकिन इसमें कई चैप्टर्स क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। सेक्शन सी की बात करें तो आपका क्या है इसमें, कंपनीज एक्ट, इसके हिसाब से मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि वेटेज कम है और सिलेबस इसमें इन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है, बट हमें सारे का सारा पढ़ना ही है। और लास्ट हमारा सेक्शन कौन सा है, हमारा डी सेक्शन है, सबसे छोटा, सबसे प्यारा, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है और कोई प्रोविजंस और सेक्शंस नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों का कि मैम हमें सेक्शंस याद करने की ज़रूरत है, क्या हमें केसेस याद करने की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अब आप इंटर लेवल में हो, अब आप फाउंडेशन लेवल में नहीं हो, तो पूरा लॉ हम कैसे पढ़ेंगे, हम सेक्शंस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे बच्चे, क्लास में जो हम सेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसे पढ़ते हैं, और जब हम चैप्टर के बाद उन सेक्शंस की मैं एक स्टोरी लिखवाती हूँ जिससे आपको सीक्वेंस में सारे सेक्शंस याद हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है सेक्शंस याद रहेंगे, आप कोरिलेट कर पाओगे। जैसे आप घर में कहते हो ना वो 12 नंबर वाली आंटी, वो 16 नंबर वाली आंटी है ना, तो आपको उनके घर के नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको ऑटोमेटिकली याद होते हैं। तो इसी ढंग से जब आप लॉ पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपको अलग से उनकी क्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, उनका नॉमनक्लेचर ही वो लेके चलेंगे। तो ये सेक्शंस आपको लिखने हैं, यू विल फेच मोर मार्क्स। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें केस लॉस के नाम याद करने, हाँ बच्चे,
जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जिन पे केस स्टडी ज्यादा आती है वहां पर आपको केस लॉज के नाम याद करने हैं। जहां जहां इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वहां पर मैं आपको कराऊंगी, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, वहां पर केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हो गया, ये सारा हो गया, आपका केस लॉ ही बेस्ड है। तो इम्पॉर्टेंट केस लॉज ये समय याद करने हैं, पूरे कंपनीज एक्ट के नहीं, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो यस केसेस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो यस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो है वो हम पढ़ेंगे और वो भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि केस लॉज एक पूरी कहानी है। जब आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी का नाम याद हो जाता है ना, तो इसी ढंग से जब आप कोई केस लॉ पढ़ोगे तो उसका नाम आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है बच्चे सीएमए का सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा दिया गया है, बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, बट जो भी सिलेबस है पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको सिलेबस को लेकर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपने अभी तक एम इंस्टीट्यूट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।